कुछ लोगों ने रवादारी के नाम पर दीन का मजाक बना रखा है कि बस जी आपस में भाईचारे के नाम पर रवादारी प्यार और मोहब्बत के नाम पर और बहुत सारे लेबल लगा लगा करके लोगों ने दीन का मजाक बना रखा है और इस हद तक चले जाते हैं बहुत सारे लोग तो कि रवादारी प्यार मोहब्बत के नाम पर कुफ्रिया शर्किया आमाल में शरीक हो जाते हैं या इसी तरीके पर कुफरिया, शिरकिया काम करने लगते हैं जबान से कुफरिया, शिरकिया अल्फाज अदा करने लगते हैं जैसे अगर आपको मैं ये मिसाल दिखाऊं आप ये वीडियो देखें आप इसे देख करके पहचान जाएंगे आप जानते ही हैं ये हज़रत माराना तारिक जमील साहब अब बताएं क्या अल्लाह ने और इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है कि एक महरम और अजनबी के साथ एक एक गैर महरम और अजनबी के साथ इस तरह फ़ेस टू फेस मुलाकात करना और इस तरीक़े के सरवैया किसी गैर महरम के साथ रखना इसकी इजाज़त दी है यकीनन ये बात मेरी हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगे लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक मोमिन और मर्द औरत अजनबी के लिए बिल्कुल भी किसी अजनबी और गैर महरम के साथ इस तरीके का रवैया रखना और उसके साथ इस तरीके पर सरेआम इस तरह बातें करना बेपर्दा रहना इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है लेकिन चूंकि हजरत की बड़ी शख्सियत है इसलिए बहुत सारे लोगों को शायद मेरी ये बात बुरी लगे लेकिन सही बात की तर्जमानी करना और सही बात पहुंचाना भी जरूरी है और खास तौर पर जब इतने बड़े लोग इस तरीके का काम कर रहे हों तो उसकी उसके बारे में बात करना जरूरी है वरना लोग इसी तरह दीन को मॉडर्नाइज और इसमें गुंजाइश की शक्ल निकालते निकालते न जाने कहाँ तक पहुंच जाएंगे कभी कभी जब मैं इस तरीक़े की वीडियो बनाता हूँ कि भाई गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक होना उनकी मजहबी रसूम में शरीक होना जायज़ नहीं है तो लोगों को वो भी बुरी लगता है कहते हैं ये मुतशद मौलवी है इनके मिजाज में सख्ती है इस्लाम में बहुत गुंजाइश है यकीनन इस्लाम में गुंजाइश है लेकिन अकैद के साथ और हलाल और हराम के साथ समझौता करने की गुंजाइश नहीं है गुंजाइश का मतलब ये हसन सलूक की तालीम है पड़ोसी अपना हो या गैर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो उसके हकूक़ की रियायत करने का हुक्म है और जरूरतमंद के जरूरतमंद आने जरूरत में काम आने का हुक्म है ऐसी तमाम गुंजाइशें इस्लाम में मौजूद हैं लेकिन कभी भी इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं दी गई है कि हलाल को हराम कर लिया जाए या हराम को हलाल कर लिया जाए या कुफ्रिया और शर्किया बातें अपनी जबान से कह दी जाएं या कुफ्रिया और शर्किया अमाल में शर्क हो जाए इसलिए हमारे बड़ों को भी उलमा को भी इस तरीके से इन इन मौाकों से अपने आप को बचाना चाहिए और आवाम को भी अपने आप को इन मौाक़ों से बचाना चाहिए कि ताकि ईमान खराब ना हो ईमान में ईमान में कमजोरी पैदा ना हो कुफ्रिया शर्की आमाल में शरीक होकर के ईमान सलब ना हो जाए अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए बाकी सही बात जो थी मुझे जो लगी ये वीडियो देख के वो मैंने आपकी खिदमत में पेश करी है उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इन बातों से इत्तिफाक होगा भाई गुनाह तो कोई भी करे गलती तो कोई भी करे गलती तो गलती है गुनाह तो गुनाह है चाहे वो मौलाना तारिक जमील साहब करें चाहे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब करें चाहे एक आदमी कोई दूसरा करे गलती पर कोई समझौता अल्लाह के यहाँ नहीं है उसको गलती ही कहा जाएगा इसलिए मॉडर्नाइज करने और इस्लाम को जदीद तरीके पर पेश करने की जरूरत नहीं है जो पंद्रह सौ साल पहले वाला इस्लाम है वो यही है कि अजनबी के सामने बेपर्दा ना मर्द के लिए आने की इजाजत है ना औरत के लिए आने की इजाजत है अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए असलिकम व वर्का